और अब बात करते हैं गया की, जहां भगवान श्री विष्णु का नगरी गया जी के मानपुर पटवा टोली दुर्गा स्थान से तेजी से बढ़ रहे ईसाई धर्मांतरण के विरोध में धर्म रक्षा मंच एवं गया के समस्त हिंदू संगठन के द्वारा मानपुर से हिंदुओं के ईसाई धर्म गुरुओं के द्वारा हो रहे अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध विशाल विरोध प्रदर्शन मानपुर पटवा टोली से सिक्स लेन पुल तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों हिंदुओं ने ईसाई लोगों के द्वारा हिंदुओं को पैसा का लोभ देकर नौकरी दिलवाने के नाम पर एवं बीमारी ठीक करने के नाम पर ईसाई मशीनरी के द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा है। मानपुर के अलीपुर पटवा टोली, मल्लाह टोली, जनकपुर, अबगिला, भुसुंडा, बोधगया, विष्णुपद इत्यादि जगहों पर ईसाई धर्मांतरण का केंद्र बनाकर धर्मांतरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसमें प्रीतम वर्मा, अमर शिखर, नीरज त्रिपाठी, सीकू मुन्ना वर्मा, राहुल साहनी, दीपक शरणकार, आमोद पटवा, जय प्रकाश आदि शामिल रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मतलब पटवा टोली में, अलीपुर में, मानपुर में, मल्लाह टोली हो गया, उसके बाद नौरंगा, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे गया में, और ईसाई लोग जो है भोले भाले गरीब हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर करके उसको बीमारी ठीक कर देगा। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है वो भी जानता है, लेकिन फिर भी ये बात बोल करके कि हम बीमारी तुम्हारा ठीक कर देंगे, और ऐसा बोल कर करके भोले भाले हिंदुओं को बरगला कर करके ईसाई बनाया जा रहा है। कुछ लोग जो बीमारी के नाम से नहीं है उनको पैसा दे करके, मतलब तरह तरह का प्रॉब्लम, नौकरी दिलवा देंगे तो आपका व्यापार बढ़ा देंगे, ऐसा ऐसा बोल बोल कर करके पूरे गया में, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, सभी जगह पे ईसाई धर्मांतरण का कार्य खूब जम करके चल रहा है। धर्म परमेतर किया जा रहा है। हाँ, और धर्मांतरण होकर के आज स्थिति ये हो चुका है कि आप हर गली मोहल्ले में एक एक ईसाई को देखेंगे। जैसे कि यह यात्रा जो है गया के मानपुर से, जो हमारे अंतज भाई, जो हमारे भाई हैं, वो किसी के बहकावे में आकर किसी षड्यंत्र के कारण जो हमारे धर्म से विमुख हो रहे हैं, यह यात्रा उनकी चेतना को जगाने के लिए है, यह यात्रा उन्हें वापस गले लगाने के लिए है। और जिस तरह से धर्मांधता और पाखंड इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि पिता परमेश्वर और हल्लेलुया इन सब का पूजा करने से, प्रार्थना करने से हमारी शारीरिक पीड़ाएँ चली जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, तो भाई अभी कोरोना महामारी आया, सारी दुनिया ने देखी है कि जब यह महामारी आया तो इटली के लोग सबसे ज़्यादा मरने लगे, वहाँ 100% सारे के सारे ईसाई हैं। और जो हमारे यहाँ बैन दवाई थी जिसका कोई मतलब नहीं था, अंततः उन दवाओं के बदौलत भी बहुत से कोरोना महामारी पर काबू पाया गया, और अंत में काम को विज्ञान ही आया, जब वैक्सीन बनी और सभी को पड़ा, हम लोग इस महामारी से गुजर पाए। तो जहाँ 100% ईसाई आबादी है वहाँ लोग महामारी से मर रहे हैं, वहाँ भी सब कुछ हो रहा है, तो कौन यह बहका रहा है हमारे लोगों को कि इनकी प्रार्थना करने से हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। भारतीय परंपरा सनातन धर्म जो है, सबसे पहले ये समझना कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म एक विशाल समुद्र है जिसके अंतर्गत ये सारे जितने भी अलग अलग धर्म आप जो समझते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सभी सनातन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, कोई अलग नहीं है। और प्राचीन इतिहास आप देखिएगा तो जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रधान देवता जो कहलाता है, वो भी सनातन धर्म का कभी अन्याय हुआ करते थे, और प्राचीन धर्म ग्रंथ में इसकी जिक्र और चर्चा होती है। आज के परिवेश में जब से यमन, मुगल, ब्रिटिश भारत में आके आक्रमण करके अपनी दुगली नीति से भारतीयों को, क्योंकि भारतीय शुरू से ही अति संवेदनशील रहे, तो इन्हें किसी भी वर्ग विषय में समझाना जो है बड़ा आसान लगता है। तो कुछ भूले भाले लोग, क्योंकि बड़ा सीधा साधा लोग हैं, बहुत प्राचीन धर्म से ही, सभी के पूर्वज जो थे वो सब सनातनी ही थे, कोई हिंदू ले लीजिए, मुस्लिम के कोई ले लीजिए, सभी के पूर्वज सनातनी थे। आज भी कई मुस्लिम वर्ग के लोग, क्रिश्चियन वर्ग के लोग अपने धर्म में अपने देवता का पूजा करते ही हैं, उनका परिपालन करते ही हैं। तो ये सामान्य हम सभी सनातनियों को समझना होगा कि किसी चंद मूर्खों के बहकावे में आकर के कि इस तरीके का रोग ठीक हो जाएगा,